तो सबसे पहले साहब हमारा मेन हेडिंग रिफ्लेक्शन। हाँ सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफ्लेक्शन? हुज गोना टेल मी? हाँ भाई, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम After hitting a smooth or after hitting any surface, किसी भी सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो या हिट करे और उस सरफेस से हिट होने के बाद अगर वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, वापस से वो लौट करके आ जाए एक पर्टिकुलर नॉस के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। तो वॉट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक of light into the same medium after hitting बोले, और इसके अंदर अब हिट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंसिडेंट, तो इंसिडेंटिंग, आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन अ सरफेस। सो सच फेनोमेनन जिसके अंदर लाइट बाउंस बैक हो जाए, उस ऐसे फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो ये आपने बचपन से पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, ठीक है? तो देखिए साहब, यहां पर लेट्स सपोज ये कोई प्लेन सरफेस है, और या फिर इसको मैंने मिरर ही मान लिया। मिरर बनाने के लिए क्या किया? एक स्मूथ प्लेन सरफेस को पीछे से पॉलिश कर दिया, मतलब उसकी एक वन ऑफ द साइड पॉलिश कर दी। जो साइड पॉलिश की जाती है उसकी अपोजिट साइड पर लाइट इंसिडेंट होगी हमेशा, ये ध्यान रखना। यानी कि रिफ्लेक्शन अगर अकर होना है तो लाइट जिस फेस पर इंसिडेंट हो वो फेस क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड का अपोजिट। जिधर पॉलिशिंग नहीं है वो वाली सरफेस, वो वाला फेस कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग साइड। तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको बोलेंगे ये जो शेडेड शेड कर रखा है हमने, इसको बोलेंगे हम क्या? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है? जो भी लाइट कहीं से भी लाइट के किसी सोर्स से आकर के इस बाउंड्री पर हिट होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उस लाइट को बोला जाएगा इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे, अब यहां पे रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइट को हम क्या मान रहे हैं? रे। एक डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन के अंदर ये आगे बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है? सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हमें जिस पॉइंट पर ये हिट होती है, सरफेस के जिस पॉइंट पर ये हिट होती है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ओ को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट होने का पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस जगह पर ये हिट हुई यानी कि ओ पॉइंट पर, वहां पर तुरंत एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नाउ व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल एक ऐसी लाइन जो गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अब यहां पे सरफेस कैसी? ये वाली, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? अगर ये हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? ये वाली। तो ये इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एन से। इंसिडेंट रे को मैं शॉर्ट में लिखता हूं आई आर, इंसिडेंट रे। नॉर्मल के लिए सिंबल यूज किया कैपिटल एन, और ये हमारी क्या बोली जाएगी? नॉर्मल रे, एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट के लिए, इंसिडेंट रे के लिए परपेंडिकुलर। नाउ द एंगल प्रेजेंट बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। तो एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस या सिंपली इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो या इंसिडेंट एंगल बोलो, एक ही बात है। अब
क्या बोल रहे हैं, ये एरोज इंसिडेंट रे पर एरोज बनाना जरूरी है। एरो ये बताता है कि लाइट की डायरेक्शन क्या है। तो एरोज से हमें पता चला कि लाइट उधर से इधर की तरफ आ रही है, हिट हुई ऊपर, और ऊपर हिट होने के बाद ये बाउंस बैक हुई। बाउंस बैक जब होती है तो ये जो बाउंस बैक हुई तो उसको शो कैसे किया, एरो इधर की तरफ ऊपर बना करके। तो इस रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, दैट रे विच विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। ऊपर अगर एयर थी तो इधर भी एयर ही है, इधर टकराई टकरा करके वापस आ गई, यहां टकराई टकरा के इधर ही चली गई, तो सेम मीडियम के अंदर। अच्छा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो इसको बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यहां पर ये तो हो गया फेनोमेनन किसका, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, कि ये रिफ्लेक्शन साफ ऐसे अकर होता है। अब इसका इस पर जब ऑब्जर्वेशन किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो देखने को क्या मिला, कुछ रिजल्ट्स। उन रिजल्ट्स को फॉर्मुलेट किए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए, तो सेम टाइप के सिमिलर रिजल्ट मिले, जिनको बोला गया लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट आर द लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहां पे बनाता हूं एक छोटा सा 3D व्यू, और फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखेंगे। तो लेट्स सपोज ये पीछे की तरफ से पॉलिश्ड है, नीचे की तरफ से, और यहां पर कोई लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हिट हुई वहां पे हमने बना दिया एक नॉर्मल लाइन, कैपिटल है, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर हिट हो रही है वो पॉइंट है ओ, और यहां से ये वापस बाउंस बैक होकर के गई इस तरीके से। तो इसको शॉर्ट में मैं लिखता हूं आर आर, अभी रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है वो एंगल आई, और वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का है वो एंगल आर। ठीक है, आई गेस 3D व्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, तो वो लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ जो बोला गया या फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन हर बार रिपीट हुआ वो ये हुआ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो भी लाइट इंसिडेंट होगी, जो भी रे इंसिडेंट होगी, वो हिट होने के बाद इस तरह से बाउंस बैक होगी कि जो उसका जितना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कंपल्सरी 30 डिग्री होगा। दिस वन वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट लॉ बनाया, क्योंकि ये हर पॉइंट पर, चाहे वो प्लेन सर्फेसिस के थ्रू हो चाहे कर्व सर्फेसिस के थ्रू हो, ये हमारा रिजल्ट सेम आ रहा था। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये सभी के सभी कौन कौन सी, तीनों लाइंस रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे कौन सी, ये वाले नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी के सभी एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं। अब प्लेन का मतलब क्या हुआ, इन तीनों को समझिएगा, ये मेरे पास, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे, ये हिट हो रही है, और ये वाली जो रे है ये बाउंस बैक हो रही है, और इनके बीच में मैंने ये नॉर्मल बना दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन। अब प्लेन का मतलब है मैं इनके चारों तरफ एक फ्रेम बना दूं, जैसे हमारा पिक्चर फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम, एक फ्रेम बनाना है 2D फ्रेम, उस 2D फ्रेम के अंदर ही ये लाई कर रहे होंगे, जैसे बोर्ड पर
अभी ये मार्कर रख दिए या जैसे टेबल टॉप पर तीनों मार्कर ऐसे में रख दूं तो एक ही प्लेन पर हुए, तो ठीक ऐसे ही इनके चारों तरफ अगर एक मैं फ्रेम खींच दूं तो उस फ्रेम में ये होंगे, उस फ्रेम से कोई भी एक बाहर नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप देखिए यहां पर अगर मैं फ्रेम बना दूं ऐसा तो ये वाला मार्कर बाहर हो गया, यानी कि ये इस फोटो फ्रेम में नहीं है, तो 3D फ्रेम हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये तीनों लाइंस हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी की सभी क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन के अंदर होनी चाहिए। तो उस प्लेन को मैं शो कर रहा हूं डॉटेड। ये मैंने एक प्लेन बनाया और उस प्लेन को फ्रेम बना दो एज अ फ्रेम, फोटो फ्रेम, तो इस फ्रेम के अंदर ही रहेंगी ये तीनों रेज। या आप यहां चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे बाहर यानी कि 2D से बाहर नहीं होंगी, अगर हो रही है सो इट इज नॉट द रिफ्लेक्शन 100% ट्रू। तो ये था इसका सेकेंड लॉ। तो हाउ मेनी ऑफ यू लर्न द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कोई इंसिडेंट रे है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री से हिट हुई है, क्योंकि बोलने में हो सकता है वो दिखने में टेढ़ी मेढ़ी नजर आए, तो अगर ये कोई लाइट रे 90 डिग्री के साथ हिट हो सरफेस से, तो आपको बताना है कि ये इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी नन। तो भाई ऑप्शन ए कितने जने बोल रहे हैं? ऑप्शन ए, हाँ भाई, जिसको क्लियर नहीं हुआ वो फिर से, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसको इधर कम किया 20 डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 20 डिग्री हो गई, ये 10 डिग्री तो ये 10 डिग्री, ये 5 डिग्री, जिस टाइम ये 0 डिग्री तो ये भी 0 डिग्री हो गई। जल्दी से बता दो।